हेलो दोस्तों, स्वागत है गेमिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में जो डिवाइस बैन हो जाता है उसको कैसे अनबैन करें। डिवाइस बैन और जो अकाउंट बैन में डिफरेंस होता है, जो आप सबको शायद पता ही होगा, मैं बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर टैप कर दीजिए और आप कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया था मैंने, उस पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डाउनलोड करने को दिया है 135 MB का फाइल, उसको डाउनलोड कर लेना है आपको। और एक मिनट बोलता हुआ मैं, ये डाउनलोड होता नहीं गाइस। मैं आपको डिवाइस अनबैन करके तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टोरेज फुल है और एक प्रॉब्लम भी है 1 GB रैम डिवाइस में कि छोड़ो अब क्या बता। अबे डाउनलोड होता नहीं क्या, छोड़ो। हो रहा है। अरे हाँ छोड़, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जेड आर्चीवर में आकर यहाँ पे उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक वर्चुअल ऐप देगा, जो फ्री फायर का एक वर्चुअल ऐप है। उसको इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने डिवाइस में जो फ्री फायर है उसको आपको डिलीट कर देना है। एक चीज़ करने से पहले यहाँ पे OBB में आने के बाद, जो आप जो एंड्रॉयड OBB में आने के बाद आपका जो com.dts.freefire वाला दिखा था नहीं, उसको आपको रीनेम कर देना है। मेरे पास अभी तो वो नहीं है, इसीलिए मैं किसी और से रीनेम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ भी लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, जो भी, छोड़ो। उसके बाद ओके कर देना है, उसके बाद आपको फ्री फायर डिलीट कर देना है। डिलीट करके आपने जो यहाँ पे डाउनलोड्स में जो फ्री फायर का वर्चुअल ऐप है ना, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन नहीं करना, आपको डन करना। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, मैं कितनी बार बताऊँ और नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी स्टोरेज फुल है और ये तो 1 GB का फालतू सा मोबाइल है। तो छोड़ो, उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो सॉरी, गलती कहाँ आ गया, सॉरी, हट। हाँ, यहाँ पे एंड्रॉयड फिर OBB में आने के बाद जहाँ पे आपने रीनेम किया था ना, मतलब कुछ भी जो लिखा था उसको हटा देना। हटाने के बाद ओके कर देना है, उसके बाद जेड आर्चीवर को हटा देना है यहाँ से और अपना फ्री फायर ओपन कर लेना। अब आप पाएंगे कि आपका जो डिवाइस बैन है ना, वो अनबैन हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन भी है गाइस, उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो उसकी उसका मेरे पास कोई सलूशन नहीं है। कंडीशन ये है कि आप में से कुछ प्लेयर्स ये भी होंगे कि जो 1 GB रैम में खेलते हो, 1 GB रैम फ़ोन में, तो प्रॉब्लम है कि आप अगर ये यूज़ भी कर लोगे तो भी आप जब पहले ऑन करोगे तब आप अपने ID में चले जाओगे, गेम प्ले भी कर पाओगे, कोई मैच मेकिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम होने वाला तो नहीं है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम ऑन करोगे तब जो टैप टू बिगिन वाला स्क्रीन होता है, पता है टैप, हाँ पता ही होगा ना, वहाँ पे आपका जो टैप करने पर जो घूमता है ना, कुछ ऐसे ऐसे घूमता है,
वो घूमने के बाद फिर आप जो लॉबी में जाते हो, सेकेंड टाइम लॉग इन करने के बाद आप लॉबी में नहीं जा पाओगे। ये मेरा भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा पता नहीं क्यों फालतू में बैन कर दिया गरेना ने। ऐसे मतलब घूमता है फिर रुक जाता है, फिर टैप टैप करता हूँ वैसे ही घूमता है रुक जाता है, लॉबी में जा ही नहीं पाता मैं। लॉबी में नहीं जाऊँगा तो गेम प्ले कैसे करूँगा, वही प्रॉब्लम है मेरी। और अभी तो मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, गेम प्ले भी नहीं भेज पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मेरे पास प्रूफ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बताया वो काम का नहीं होगा, समझ लो। स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना, आपका डिवाइस टोटली अनबैन हो जाएगा परमानेंटली। बस थोड़ा हाई डिवाइस होना चाहिए, 3 GB 4 GB एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।